गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह चर्चा में बने रहने के लिए साइबर सेल जाते रहे हैं। वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, वे कई बार हाई कोर्ट भी गए हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह कई कार्य चर्चाओं में बने रहने के लिए करते हैं। महिलाओं के कम वैक्सीनेशन पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब पुरुषों को वैक्सीन लग जाएगी तो महिलाएं भी आएंगी। भारत का समाज ऐसा ही है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेसी नेहरू, इंदिरा और राजीव के अलावा किसी को मानते ही नहीं है। कांग्रेसी यही मानते हैं कि उनके यहाँ तीन ही प्रधानमंत्री हुए हैं और कोई हुआ ही नहीं है। कोचिंग, सिनेमाघर, स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर कहा कि 1 जुलाई से इनको खोलने पर विचार जारी है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के बाद ही प्रवेश मिल सकेगा। किसी भी स्थिति में छात्र छात्राओं की जान से खिलवाड़ नहीं होगा। देखो, दिग्विजय सिंह जी एक लंबे समय से चर्चा में रहने के लिए ऐसे साइबर सेल में जाते रहे हैं। पहले भी वो तीन तीन चार चार दिल्ली से वकील ला के, आज से 5-7 साल पीछे जाओगे आप, SIT के पास गए थे, हाईकोर्ट के अंदर गए थे, और जो सब उनका हश्र हुआ वो इसका हश्र होने वाला है। अब चूंकि आप लोग स्थान देते हो तो है। देखिए, जब पुरुष के वैक्सीन लग जाएगी तो ये भारतीय समाज है, स्वाभाविक रूप से वो खुद भी महिला को ले जाएगा, और महिलाएं अपने आप परंपरा भोजन तक तो बाद में करती हैं, एक परंपरा भारतीय संस्कृति ऐसी है हमारी, और उस संस्कृति के तहत महिलाएँ भी आएंगी जागरूकता में। अब सब जगह ये बात पहुँच चुकी है कि मोदी जी ने संजीवनी दी है, ये स्वास्थ्य का टीका है। देखिए, सिनेमा को भी हो या ऐसी बैठने की जगह हो, वहाँ पे अगर दोनों वैक्सीन लगी हुई है तो उसी कंडीशन पे हम सिनेमा को अनुमति देंगे या कोचिंग को अनुमति देंगे या स्कूल जो है 18 से ऊपर वाले उनको देंगे, लेकिन रिस्क कोई भी नहीं ले सकती सरकार। सरकार पूरी तरह से सचेत है किसी भी बीमारी के प्रति, अपनी जनता के प्रति। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करते हैं, इसलिए ऐसा मत मानो आप कि हम 3 घंटे बैठने की बिना वैक्सीन के इजाज़त दे देंगे। वो मानते ही नहीं है ना, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के अलावा वो किसी को कांग्रेस ही मानते ही नहीं है। ये इन एक परिवार तक की कांग्रेस है, इसलिए नरसिम्हा राव जी हों या अपने दूसरे कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो हुए हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, वे किसी को भी नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि तीन ही प्रधानमंत्री हुए हैं इनके यहाँ पर और कोई हुआ ही नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।